पंजाब पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से मुद्रा पोर्ट से 75 किलो हीरोइन रिकवर की है। आपको बता दें कि जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह हीरोइन मुद्रा पोर्ट से पंजाब आनी थी, फिर इसे पंजाब से आगे भेजा जाना था। इसका इनपुट पंजाब पुलिस को मिल गया, जिसके बाद तुरंत केंद्रीय एजेंसियों और गुजरात पुलिस से तालमेल कर पूरी कार्यवाही की गई। तो वहीं पंजाब पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है जिसके पास यह हीरोइन डिलीवरी जानी थी। आपको बता दें कि शुरुआती जांच के मुताबिक दुबई के जुबैर अली बंदरगाह से यह कंटेनर आया था, जिसमें हीरोइन के होने के बारे में पंजाब पुलिस को इनपुट मिल गया, जिसके बाद गुजरात की एटीएस के साथ तालमेल कर वहां चेकिंग की गई, जिसके बाद हीरोइन बरामद की गई। इसे कपड़े में छुपा कर लाया गया था। आपको बता दें कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गुजरात पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था। तो वहीं इनपुट पंजाब पुलिस के पास थी, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियों से टाई अप किया गया, जिसके बाद 75 किलो हीरोइन रिकवर की गई। आपको बता दें कि यह हीरोइन पंजाब में आनी थी और फिर से आगे भी जानी थी। वहीं डीजीपी का कहना है कि इस जांच को आगे भी जारी रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।